मजीद 7 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो कितने सिंपल आज भेजे गए थे सर, तो इंतजामिया का लाए अमल आगे क्या होगा सर? देखिए, जो हमारे 3 पॉजिटिव केस आए थे 3 दिन पहले, उसमें से जो 31 कांटेक्ट ट्रेसिंग हमने की थी, उसमें से 21 का हम लोगों ने टेस्ट किया था और वो नेगेटिव आए थे। और जो 10 टेस्ट हमने कल और किए थे इन इन प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में, और इंक्लूड मतलब जो हमने 60 कल सैंपल्स टोटल लिए थे, उस 60 में से हमारे आज 7 पॉजिटिव आए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा जंप है, मतलब करना के लिए कि किसी एक दिन सैंपलिंग करने के बाद 7 पॉजिटिव जैसे। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो पॉजिटिव आया है यहाँ से, वो उनका जो सिम्टोमेटिक थे वहां पर, जो उनके साथ वहां पर रहते थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे आएगा। तो वो जो वहाँ काम कर रहे थे वो 2 आए हैं, और उन कुछ कुछ बच्चे और बाकी लोग आए हैं, 7 हैं। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं इनका, जो ये 7 लोग हैं, और इनकी भी जल्द से जल्द सैंपलिंग की जाएगी और इनको कुपवाड़ा भेजा जाएगा। तो आगे आगे सैंपलिंग लगातार जारी रहेगी। दूसरी बात सर, करना में बाजारों को खोलने के हवाले से ताजरों को किस तरह की हदायत दी गई है, कैसे मेंटेन करना है, दूरियां कैसे कायम करनी है, सामाजिक दूरियां मास्क के क्या इस्तेमाल करना है? देखिए, अब आप देख रहे हैं कि जो मार्केट मार्केट हमने खोला हुआ है और ओपन हो गया है, तो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो जोर है वो है लोगों को इस चीज को इस पे फोकस कराना कि SOPs को फॉलो करें। जो होता है कि मास्क पहनना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, हम जाते हैं तो मास्क का पूरा लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर्टिकुलरली शॉप्स पे वो करना बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ शॉप्स पे देख रहा हूँ मैं, 4-5 बंदे एक जगह खड़े होते हैं। तो वहां पर मैंने आज अपने तहसीलदार को डायरेक्ट किया है, तो कल से ही हम शुरू करेंगे। जो ये सोशल डिस्टेंसिंग में भी हम लोग एक प्रॉपर मार्किंग सिस्टम यहाँ पर मार्केट में करा रहे हैं, पर्टिकुलरली ऐसी शॉप्स पे जहाँ पर क्राउड ज्यादा होता है, जैसे वेजिटेबल की बड़ी कोई शॉप है, किराना की, या मीट शॉप्स हैं, तो स्पेशली इन पे मैंने देखा हुआ है। तो वी आर ऑन इट, एंड मेरी इल्तिजा है सभी लोगों से करना कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें जो SOPs हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, सैनिटाइजर्स का, और जब जितना कोशिश करें हाथ धोने की, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो वो फॉलो अगर करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा हम हमारी कोई परेशानी है। लेकिन अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें भी फिर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालनी पड़ती है। SDP साहब, तामीराती कामों के हवाले से बताऊंगा, क्या करना में भी सरगर्मियां शुरू हुई हैं तामीराती कामों के हवाले बिल्कुल से? जी, बिल्कुल। डेवलपमेंट वर्क्स तो बहुत पहले से शुरू हुई थी। इनफैक्ट करना में तो हम लोगों ने पहले से ही शुरू करा दिया, पर्टिकुलरली जो रूरल डेवलपमेंट जो हमारा है, MGNREGA 15FC या 14FC के स्पिलओवर वर्क्स, और हम मैनडेज जो जितनी ज्यादा जनरेट हम कर पाए, जो हमारे डायरेक्शन थी गवर्नमेंट से कि इनको बढ़ाए इस काम को, क्योंकि इस टाइम जो लोग पर्टिकुलरली जो इस लॉकडाउन से जो मुतासर हुए हैं, वो यही है जो लेबर, जो दिन की रोज जिनको टेब जिनको हम कहते हैं कि जो एक दिन कमाते हैं और उसी दिन फिर उनका फैमिली का गुजारा होता है। तो कोशिश की है मैंने, हम लोगों ने, कि इस चीज को इनको पहले हम स्टार्ट करा, जो गवर्नमेंट के फोकस है। तो MGNREGA का रूरल डेवलपमेंट के तो काम सारे भी स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद हमारे R&B के कुछ काम है, जो कि रोड्स बन रहे हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स है हमारे, वो भी कुछ चल रहे हैं। जी इनफैक्ट PMGSY का काम बड़े जोरों पे है, तीन चार रोड का काम शुरू हुआ है। हम लोग स्पेशल परमिशंस देते हैं, लेबरर्स बाहर से आते हैं, उनको बाजाबता स्क्रीनिंग करके यहाँ लाते हैं, और काम बिल्कुल शुरू है, और जी आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा इस काम को, और विद प्रॉपर SOPs एट वर्क साइट। जी बहुत बहुत शुक्रिया SDM साहब हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू जी।